गाइस कैसे हो आप सभी लोग, आप सबका स्वागत है डे 18 ऑफ 30 डेज 30 गेम चैलेंज में। तो गाइस आज हम लोग खेलने जा रहे हैं ग्रोसरी स्टोर सिम्युलेटर। अभी आप देख सकते हो मैंने एक खतरनाक सा स्टोर खेल अभी आप देख सकते हो मैंने एक ग्रोसरी स्टोर खोल लिया डेजर्ट के बीचों बीच। यहाँ पर आस पास कोई भी स्टोर नहीं है, बिल्डिंग्स आप देख सकते हो कितनी ज्यादा दूर है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर खोला ताकि मेरा कोई कॉम्पिटिशन न बचे। चलो फटाफट से चलते अपने स्टोर के अंदर और आप सबका स्वागत है हमारे स्टोर में। ये हमारा है चेकआउट काउंटर और अभी हम जाएंगे अपने अंदर मेन कंप्यूटर पर। यहाँ पर अपना स्टोरेज रूम है और गाइसर मेरे पास अभी $100 से खर्च करने के लिए ताकि मैं अपने लिए सामान मंगवा सकूं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर देख दो वॉशिंग पाउडर है, आटा है, पोटैटो चिप्स है, एप्पल एंड सिनेमन है, बासमती राइस, बीन सूप और ये दो तीन चीजें। इनको फटाफट से यहाँ पर मंगवा लेते हैं, $12 ये हो गए। फ्लोर मंगवा लेंगे, पोटैटो चिप्स मंगा लेंगे, बासमती राइस, बीन सूप और ये $64 का यहाँ पर हो चुका है। एक सेकंड, पोटैटो चिप्स दो कैसे हो गई? तो गाइसर अभी मैंने यहाँ पर सारी एक एक चीज यहाँ पर ऑर्डर कर दी है जो कि होने वाला टोटल $54। तो फटाफट से इसको यहाँ पर कर देते हैं ऑर्डर और मेरे पैसे यहाँ पर कट चुके हैं, $45 मेरे पास यहाँ पर बचे। और यहाँ पर आप देख सकते हो और भी बहुत सारी चीजें जो कि अनलॉक होगी हमारी बाद में। और यहाँ पर डेकोरेशन का भी बहुत सारा आइटम है। अभी फटाफट से इसको खोल देते हैं। कैसे खोलना है? ये डिलीवरी व्हीकल तो हमारा आ चुका है पर ये गेट कैसे? ओ, अपने आप ही खुल गया। डिलीवरी वाले अंकल ने अपने आप खोल दिया। फटाफट से यहाँ पर बॉक्स उठाएंगे और इसको यहाँ पर रख देते हैं। बीन सूप को इसको उठाएंगे, इसको भी रख देंगे। ये आटा यहाँ पर आ चुका है, एप्पल सिनेमन ओटमील भी यहाँ पर आ चुका है। सबका सब उठा के अपने स्टोर के अंदर रख देते हैं। ये अपना स्टोरेज एरिया जहाँ पर मैं सबका सब यहाँ पर रख रहा हूँ। लेट्स गो, इसको यहाँ पर रख देते हैं, इसको यहाँ पर रख देते हैं और ये डन। तो गाइस अपना सबसे पहली डिलीवरी यहाँ पर आ चुकी है। अब हमें इन बॉक्स को उठाना है और शेल्फ्स में सजाते जाना है। यहाँ पर रख देंगे सारा का सारा आइटम, आप देख सकते हो हमने रख दिया। और इस बॉक्स को कहाँ रखा जाए? फेंक देते हैं। पहले फटाफट से सारा का सारा सामान मैं यहाँ पर सजा देता हूँ फटाफट से, फिर इनका प्राइस भी हमें सेट करना होता है। तो प्राइस बाद में सेट करेंगे, सबसे पहले इसको भी उठा लेते हैं। ये आटा का भी सारा का सारा यहाँ पर रख देंगे। मुझे समझ नहीं, डब्बे को इधर ही फेंकना है क्या? चलो कोई बात नहीं, अभी तो इधर ही फेंक देते हैं। ये कहाँ फेंक दिया मैंने? इसको भी लेकर जाते हैं। और ये बासमती की राइस भी यहाँ पर आ चुकी है और हम जाएंगे अब थोड़ा वॉशिंग पाउडर भी यहाँ पर रख देंगे। और ये भी डन। अब आखिरी डब्बा बचा है, इसके अंदर क्या है? पोटैटो चिप्स। यहाँ पर चिप्स भी आ चुकी है, इनको भी फटाफट से यहाँ पर रख देते हैं। और हमारी शेल्फ्स यहाँ पर लगभग पूरी की पूरी फुल हो चुकी है, डब्बों को हमने फेंक दिया है। और गाइस अब हमें जाना है प्राइस सेट करने के लिए। हम जाएंगे चेंज प्राइसेस में। आप देख सकते हो इसका प्राइस है 129 और मैं 129 में बेच रहा हूं, तब मुझे प्रॉफिट क्या मिलेगा? तो मैं इसका प्राइस रखने वाला हूं $2 और इसका प्राइस हम रखेंगे 3.50। मेरे ख्याल से ये सही रहेगा। इसका प्राइस हम रखेंगे, इसका भी थ्री रख देते हैं, $3 बहुत रहेगा। इसका भी हम 3 रख देंगे। लेट्स गो, वॉशिंग पाउडर $6 का, इसका $7 कर देते हैं। पोटैटो चिप्स हम कर देंगे $4 की। लेट्स गो, प्राइस यहाँ पर चेंज हो चुकी है। और मेरे ख्याल से स्टोर को अपन को ओपन कर देना चाहिए। मैं इसको उठा के कहीं पे और भी रख सकता हूँ, तो एक काम करते हैं, इसको हम रख देते हैं अपने काउंटर के पास में ताकि हमें जब भी ओपन क्लोज करना पड़ेगा तो यहाँ पर कर पाएंगे ओपन। हमारा स्टोर यहाँ पर हो चुका है, हमारा वन एंड ओनली ग्रोसरी स्टोर इस पूरे के पूरे एरिया में। और कस्टमर भी आ चुका है। अबे क्या गाड़ी चला रहा है फुल स्पीड में। चलो सबसे पहला कस्टमर हमारा यहाँ पर आ चुका है। कहाँ पार्किंग में लगाएगा? हमारी पार्किंग आप देख सकते हो कितनी ज्यादा बढ़िया है। और ये देखो ये सुपर कार में भी एक कस्टमर आ चुका है। मुझे लगता है ये बहुत सारी चीजें खरीदने वाला है। तो अभी मेरे पास $45 है, तो मैं इससे और भी चीजें कर सकता हूँ। स्टोर नेम, ओके, मैं अपने स्टोर का नाम भी यहाँ पर रख सकता हूँ। मैं इसका नाम रखने वाला हूँ वरुण की दुकान। यहाँ पर हमने रख दिया है। और हमारे पास क्या क्या है यहाँ पर हम एक एम्प्लॉय हायर कर सकते हैं जो की काम करेगा हमारे लिए। अभी फटाफट से चलते हैं, हमारे कस्टमर्स यहाँ पर आ चुके हैं। सबसे पहले कस्टमर, इनको फटाफट से सारा सामान लेंगे, इनका पैसे लेंगे और हम इनको चेंज देना है 8, 5, 6, 7, 8 और ये 50 कहाँ पे? 1, 2। और गाइस अभी हमने इनको दे दिया फटाफट से। बहुत सारे कस्टमर्स यहाँ पर आते जा रहे हैं, इतनी जल्दी जल्दी कस्टमर्स आते जा रहे हैं। इनको फटाफट से कंफर्म करते हैं और इन्होंने सिर्फ दो ही चीजें ली। आंटी गरीब हो गए थोड़ी सी। इनका टोटल है $6। इनके कार्ड से इनकी पेमेंट हमने कर दी है। यहाँ पर हमें और भी कैश मिल चुका है, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ पर तीन सेम दिखने वाले लगता है जुड़वा भाई आ चुके, जुड़वा नहीं है तो तिड़वा भाई हो चुके। और हमें इनको यहाँ पर चेंज देना 5, 6, 7, 8 और यहाँ पर 2, 50। और गाइस इनको फटाफट से सारा काम दे देते। क्रेडिट कार्ड इन्होंने हमें दे दिया है $14,
थैंक यू, ओ अभी थोड़ा ज्यादा कर देता, $140 में उनको चार्ज करने वाला था, अगर मैं ज्यादा चार्ज कर दूं तो क्या होगा, रुक जाओ करके देखते, $7 से ना 70, ओके नहीं करने देगा मेरे को, ना करने देगा, चलो थैंक यू आंटी, अंकल को यहाँ पर आंटी बोल दिया। और गाइस यार यहाँ पर एक और दीदी आ चुकी है, आंटी एक काम करे दो ये भी खरीदो, अरे ये भी खरीदो यार ये तो जा रही है। इसने सिर्फ यहाँ पर दो चिप्स खरीदी है, मोटी सिर्फ चिप्स खाएगी क्या, $8 यहाँ पर इनको पेमेंट कर देते हैं फटाफट से। और गाइस यार अभी आप देख सकते हो मेरे पास यहाँ पर $182 हो चुके हैं, मतलब मैं अपने स्टोर के लिए और भी बहुत सारा आइटम मंगवा सकता हूँ। पहले अपने स्टोर लेवल को 2 पर लेकर चलते हैं, फिर और भी सामान मंगवाएंगे। इनको भी हमें चेंज देना 5, 6, 7, 1, 2, बूम। और गाइस यार अभी हमें इनको चेंज देना है 2.50, लेट्स गो, इसको फटाफट से दे देते हैं। और अभी मेरा सामान लगता है पर खत्म हो चुका है क्योंकि लोग ज्यादा चीजें खरीद नहीं रही है, फटाफट से इसको देते हैं। इसने भी सिर्फ एक ही चीज खरीदी है, $3, ओके डन, फटाफट से इनको भी सारा सामान दे देंगे। हम इनको देना चेंज 5.50, लेट्स गो, इनको फटाफट से जल्दी जल्दी सामान देते जाते हैं। 1, 2, 3, 4 और 1, 2, लेट्स गो, इनको भी दे दिया ये दो, इन्होंने आटा का डब्बा लिया, इनको भी हमने इनका सामान दे दिया है। अभी गाइस यार यहाँ पे देख लो सबका सब खाली यहाँ पर हो चुका है, तो सबसे पहले मैं अपने शेल्फ मंगाने वाला हूँ, पर ना मैं रखूंगा कहाँ पर, यहाँ पर लार्ज शेल्फ है यहाँ पर $150 की, ओके $150 थोड़ा ज्यादा है पर कोई बात नहीं, यहाँ पर अभी मंगवा लेते हैं $150 की शेल्फ। और गाइस अभी हम जाएंगे यहाँ पर जितना सामान है वो सबका सब एक एक बार और मंगवा लेते हैं। इनको भी हमने यहाँ पर ऑर्डर कर दिया है, मेरे पास सिर्फ $43 यहाँ पर बचे हैं, पर हमने बहुत सारा सामान भी यहाँ पर मंगवा दिया है, इनको भी फटाफट से देते हैं चेंज, इनका दे देंगे थैंक यू। एक अंकल आए थे उनको बहुत ही ज्यादा महंगा लगा सामान, अबे गरीब हो गया तो इतना सस्ता सस्ता सामान बेच रहा हूं, और मेरी डिलीवरी भी यहाँ पर आ चुकी है तो फटाफट से उठा लेते हैं। यहाँ पर अपनी सबसे पहले शेल्फ आ चुकी है, इस शेल्फ को लगा देंगे अपन, इधर सही रहेगा शेल्फ, यहाँ पर अपन लगा दिए, कस्टमर को इनका सामान देके फिर बाकी का सारा सामान भी उतार लेंगे। 1, 2, 3, 4 डन, बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर आने के लिए, और इनको चाहिए इनका चेंज थैंक यू। और यहाँ पर दो दो चिप्स इन्होंने भी ले लिए, लगभग मेरा स्टोरेज सारा का सारा सामान यहाँ पर खत्म हो ही चुका है। और गाइस अभी हमारा बाकी का सारा सामान आ चुका है, जल्दी जल्दी खोलो, मुझे यहाँ जल्दी जल्दी सारा का सारा सामान बेचना है, तो बासमती राइस लेंगे यहाँ पर सारी की सारी रख देंगे। और गाइस अगर मुझे खाली डब्बे हटाने तो मुझे चाहिए होगा एक डस्टबिन, तो मुझे डस्टबिन भी मंगवाना पड़ेगा। अब ये आटा हम यहाँ पर रख देते हैं फटाफट से, सारा का सारा सामान खरीद लो आपके लिए। और यहाँ पर हमारे बीन सूप भी आ चुका है, फटाफट से ये यहाँ पर उतार देते हैं सारा का सारा, और इन अंकल को इनका सामान दे देते हैं। 1, 2, 3, 1, 2, 3, इनके कार्ड पर जाएंगे, $14 हम इनके चार्ज करेंगे, और हम जाएंगे डब्बा उठाएंगे, और अब बाकी का सारा सामान भी यहाँ पर उला लेते हैं, जैसे कि ये एप्पल सिनेमन ओट मील आ चुका है, यहाँ पर हमने उतार दिया। अभी मैं डस्टबिन भी ले लूंगा, आप टेंशन मत लेना, ये इतना सारा कचरा अच्छा ही लगेगा। यहाँ पर सारी की सारी चिप्स भी रख देते हैं, 1, 2, 3, 1, 2, 3, यहाँ पर चिप्स हमेशा ज्यादा क्यों आती है मुझे समझ नहीं आ रहा, इसको बाहर फेंकते हैं। और ये आखिरी डब्बा वॉशिंग पाउडर हमें यहाँ पर मिल चुका है, इसको भी यहाँ पर रख दिया जाए, डब्बा यहीं पर फेंकते हैं, और अपने कस्टमर को जल्दी जल्दी सामान दे दिया जाए। 1, 2, 3, लेट्स गो, और इन्होंने बहुत सारा सामान लिया, जैसे हमारा वापस से स्टॉक फुल हुआ वापस से लोग बहुत सारा सामान लेना चालू हो चुके हैं। $18.50 अब इसको लेकर जाएंगे यहाँ पर फेंक देंगे। अब देखते हैं डस्टबिन कितने का है, यहाँ पर है स्टोरेज डंपस्टर है $150 का, जो कि अभी अनलॉक भी नहीं है, स्टोर लेवल हमारी 1 ही है, मुझे 2 चाहिए होगी कम से कम, तो मैं अभी इनमें से तो कुछ कर नहीं सकता। अभी फटाफट से चलते अपने कस्टमर्स के पास, मुझे वेट करना पड़ेगा अपना स्टोर लेवल 2 होने का। फटाफट से इनको देते हैं यहाँ पर सामान, आते जाओ, बहुत सारा सामान मैं यहाँ पर बेचने वाला हूँ, हम तो बहुत ही जल्दी अमीर होने वाले हैं स्टोर से, मुझे लग रहा है मेरा आइडिया बहुत ही ज्यादा बढ़िया था, डेजर्ट के बीचों बीच एक खतरनाक स्टोर खोलने का। अब इनको 22.50 डन, और इनको इन्होंने कितना सारा सामान लिया है, $28 का, मतलब इतना भी नहीं है पर ठीक है, अच्छा है। यहाँ पर इन्होंने सिर्फ 2 ही चीजें ली है, इनको फटाफट से इनका चेंज दे देंगे। और यहाँ पर और भी बहुत सारा सामान आ चुका है, अगर मैं अपनी और प्राइस से बढ़ा दूं तो कैसा रहेगा, पर फिर कस्टमर्स कम हो जाएंगे, तो अभी इतना ही रहने देते हैं। फटाफट से अंकल आ जाओ, क्या चाहिए आपको, यहाँ पर अंकल ने भी बहुत सारा सामान ले लिया है, $82 का मुझे इनको चेंज देना है। इन्होंने सिर्फ $17 का सामान लिया और $100 का नोट दिया है। अभी इनको बताता हूँ, $1 के सारे नोट मैं इनको देने वाला हूँ, अंकल ने मुझे परेशान किया तो मैं भी इनको बहुत ही परेशान करने वाला हूँ, इनको मैं $1 के 82 नोट दूंगा, ये गिनते गिनते परेशान हो जाएंगे। फटाफट से इनको $82 यहाँ पर होने वाले हैं, और इनको 50 सेंट देने, रुक जाओ अब इसका ये एक एक रुपए वाला चेंज
दूंगा। अंकल को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने वाला जब उनको पता चलेगा ये उनके साथ होने वाला है और ये डन। और यहाँ पर अपन फटाफट से इनका कार्ड लेते हैं, $23 डन, और इनको फटाफट से देते हैं। फिर से यहाँ पर सामान खत्म हो रहा है मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि लोग बहुत ही जल्दी जल्दी सामान यहाँ पर खरीदते जा रहे हैं, बहुत सारा सारा। आप देख सकते हो फिर से हमारी शेल्फ यहाँ पर एम्प्टी होने लग चुकी है। मुझे लगता है मुझे एक जना हायर कर लेना चाहिए जो कि चेकआउट काउंटर संभालेगा और मैं बाकी की सारी चीजें संभाल लूंगा। यहाँ पर इनको चेंज देते हैं, लेट्स गो। और यहाँ पर रात भी मुझे हो चुकी है, अब यहाँ सबसे पहले जाएंगे यहाँ पर सारा का सारा सामान मंगवाने वाले, ऑर्डर डन। और गाइस यहाँ पर लेवल अप करने का भी ऑप्शन आ चुका है जो कि है $500 का। अगर मुझे लेवल करना है तो $500 से होंगे, मुझे लगा फ्री में हो जाएगा, तो मुझे $500 जल्दी से जल्दी जमा करने पड़ेंगे। तो फटाफट से इनको इनका चेंज दे देते हैं, थैंक यू। अभी बाहर मेरा सारा का सारा सामान भी आ चुका है, इसको उठाते हैं और रखना शुरू करते हैं। बासमती राइस यहाँ पर आ चुकी है, सारी की सारी बासमती राइस इधर रख देंगे, इसको फेंक देते हैं। मुझे तो अभी कचरे का डब्बा भी लेना था एक, अब वो कैसे लूंगा, इतना ज्यादा महंगा सब हो चुका है। यहाँ पर रख देते हैं बीन सूप, मेरे पास पहले से बहुत सारा था पर फिर भी हमने वापस से मंगवा लिया है, कचरा डब्बा यहाँ पे फेंक देंगे। और यहाँ पर हमारे पास आटा भी आ चुका है, फ्लोर आ चुका है, यहाँ पर फटाफट से रख देंगे। ये इतना कम क्यों देते हैं मुझे समझ नहीं आता। अभी अपन जाएंगे, चिप्स अपने पास पहले से बहुत सारी थी फिर भी मैंने और भी मंगवा ली है, इसको फटाफट से रख देंगे। वैसे चिप्स हमारी बिकती भी बहुत ज्यादा है तो यहाँ पर हमने ये भी रख दिया है। अभी जितनी बाकी की चीजें सारी की सारी मैं यहाँ पर उतार देता हूँ और मुझे $500 जल्दी से जल्दी जमा करने ताकि मैं अपने स्टोर को अपग्रेड कर सकूं और भी चीज हमारी अनलॉक हो जाएगी। यहाँ पर कस्टमर्स आ चुके हैं, इनको फटाफट से इनका सामान दे दें, $10 इनको देंगे क्रेडिट कार्ड लेके, $8 थैंक यू। और यहाँ पर ये भी आ चुके हैं, इनको भी देते 10.50, और इन्होंने तो बहुत सारा सामान यहाँ पर ले लिया, 32.50। मेरे ख्याल से सबसे बड़ा कस्टमर है आज का अपना, फटाफट से इनको भी इनका सामान दे देंगे, कैश इन्होंने दे दिया 1, 2, 2, 5, 3 थैंक यू। तो गाइस जल्दी से मैं बहुत सारे पैसे जमा करता हूँ ताकि अपनी स्टोर लेवल को हम 2 कर सके। तो गाइस अभी मेरे पास यहाँ पर $500 हो चुके हैं, मतलब हम अपने स्टोर को यहाँ पर बढ़ा सकते हैं, स्टोर लेवल हम कर सकते हैं, level 2, 3, 2, 1 लेट्स गो। और यहाँ पर हमारा स्टोर लेवल हो चुका है level 2 और मेरे पास $0.47 बचे हैं। पर गाइस हमारे पास यहाँ पर और भी चीजें खुल चुकी हैं बहुत सारी, आप देख सकते हो। अब हम और भी चीजें अपने मंगवा पाएंगे ताकि अपने स्टोर में और भी महंगी महंगी चीजें बेच सके, सबको लूट लूंगा यहाँ पर, बहुत सारे पैसे मैं कमाने वाला हूँ। और एक सेकंड, यहाँ पर पहले से डस्टबिन है, मुझे तो पता भी नहीं था, यहाँ पर मैं अपना कचरा फेंक तो सकता हूँ। फटाफट से लेकर जाएंगे कचरा, यहाँ पर फेंक देते हैं, कांट थ्रो इन एयर, वाई यार क्या पता नहीं मैं क्यों यहाँ पर फेंकते हैं। ये सब कस्टमर्स बाहर जाते जाने क्योंकि मेरे पास ज्यादा सामान नहीं बचा और मेरे पास पैसे भी नहीं है मंगवाने के लिए, कैसे मंगवाऊंगा मैं, लोन वोन नहीं ले सकता क्या, रुक जाओ देखना पड़ेगा, बैंक कमिंग सून यार मेरे को अभी चाहिए था, लोन मैं यहाँ पर ले नहीं सकता और दिक्कत ज्यादा हो चुकी है क्योंकि मैंने सारे के सारे पैसे यहाँ पर खर्च कर दिए। ये देखो ये एक अंकल चिप्स खरीदने आए बस, पर कोई बात नहीं अभी कुछ भी आएगा चलेगा, सब लोग जाते जा रहे कि हमारे पास कुछ भी यहाँ पर बचा ही नहीं है, एक एक चिप्स खरीद रहे बस यार। मुझे अभी यहाँ पर बहुत सारे पैसे चाहिए होंगे ताकि मैं ये बाकी की सारी चीजें भी खरीद पाऊँ। ये $17, $4 बहुत महंगी महंगी चीजें, रुक जाओ बीन सूप मैं यहाँ पर मंगवा सकता हूँ क्या, मेरे पास बीन सूप तो बहुत ज्यादा पड़ा है पहले। यहाँ पर अब इनको चिप्स ले लेते हैं, इनको चेंज इनका दे देंगे। धीरे धीरे मेरे पास पैसे आते जा रहे क्योंकि मैंने एक ही बारी में सारे पैसे उड़ा दिए थे। और गाइस अगर मुझे ये बियर्स की सारी मिल्क और ये सब रखना है तो मुझे फ्रिज भी चाहिए होगी, और फ्रिज भी बहुत ही ज्यादा महंगी आती है। यहाँ पर देखो फ्रिज स्मॉल फ्रिज है $150 की, तो अभी मुझे फिलहाल इन्हीं सामानों को बेचना पड़ेगा। ये केक्स भी मेरे ख्याल से मैं बेच नहीं सकता, मिल्क शायद मैं बेच पाऊंगा पता नहीं, जब तक थोड़े पैसे वैसे जमा कर लेते हैं। अभी मेरा पूरा का पूरा स्टोर यहाँ पर खाली होता जा रहा है, $20 मैंने यहाँ पर जमा कर लिए, मुझे थोड़े और जमा करने पड़ेंगे ताकि मैं अपने लिए और सामान मंगवा पाऊँ। $24 मेरे पास हो चुके हैं, मुझे कुछ तो मंगवा लेना चाहिए कि कुछ भी नहीं बिक रहा है, कोई खरीद ही नहीं रहा कुछ भी। यहाँ पर अपन जाएंगे फ्लोर मंगवा सकते हैं जो कि सिर्फ $3 का है, तो 2 कार्टून में इसके मंगवा सकता हूँ। या फिर एक सेकंड एक इसका मंगवाते हैं और एक वॉशिंग पाउडर मंगवा लेते हैं, ये सही रहेगा। अभी मैंने इसको ऑर्डर यहाँ पर कर दिया है, $8 मेरे पास बचे हैं, अभी थोड़ी देर में डिलीवरी आ जाएगी, कम से कम ये भरना तो शुरू होगा। यहाँ पर ये क्या चीज पड़ी है, बहुत ही कम चीजें यहाँ पर बची, देखो ये भी खाली कस्टमर जा रहा है बिना कुछ लिए। अंकल आप तो खरीद लो, अरे सस्ते में दे दूंगा, ले लो बीन्स ले लो, ये भी चला गया। और हमारी डिलीवरी भी यहाँ पर आ चुकी है, फटाफट से लेते ताकि कुछ ना कुछ तो बिकना शुरू हो तभी तो हम पैसे कमा पाएंगे। फटाफट से यहाँ पर रख देंगे सारा का सारा सामान, और यहाँ पर डब्बे तो ऐसे जमा होते जा रहे, डब्बा स्टोरेज के लिए बनाया लग रहा है। और यहाँ पर बाकी का आटा भी अपन रख देते हैं, लेट्स गो ये भी डन हो चुका है। एक सेकंड, अरे गेट खोलो,
मुझे बाहर ही छोड़ दिया, वापस जाना पड़ेगा। यहाँ पर अभी एक कस्टमर आ चुका है, इनको फटाफट से इनकी दोनों चिप्स यहाँ पर पकड़ा देते हैं। $8, थैंक यू। अभी मेरे पास $16 यहाँ पर हो चुके, बिल्कुल कॉस्ट कटिंग पे चल रहा हूँ ऐसा लग रहा है मैं। मिल्क कार्टून यहाँ पर $18 का है, मिल्क कार्टून मंगवाएंगे हम इसके बाद, पहले फटाफट से अपन $18 जमा तो कर ले। और यहाँ पर अपने पास $18 जमा हो चुके, फटाफट से मिल्क अपने लिए मंगवा लेते हैं। मिल्क कार्टून दो तरीके के, एक ग्रीन है एक ब्लू है, फर्क क्या है इन दोनों में मुझे पता नहीं, प्राइस भी इन दोनों का सेम ही है, क्या करें यार समझ नहीं आ रहा। चलो ये वाला ऑर्डर कर देते, देख लेते क्या होगा। $8 यहाँ पर मेरे पास बचे हैं जिसमें मंगवा सकते हैं बासमती राइस और बीन, मेरे पास बहुत सारी पड़ी है तो बासमती राइस अभी हमने ऑर्डर कर दी है। जल्दी जल्दी बहुत सारे कस्टमर्स आते जाओ, मैं बहुत सारा पैसा यहाँ पर कमाने वाला हूँ अपने स्टोर में। यहाँ पर अभी फटाफट से लगता है मेरे यहाँ पर सामान भी आ चुका है, ये भी यार खालियां जा रहे हैं, अब इतना सामान तो मैं रख रहा हूँ और क्या करूँ। मिल्क यहाँ पर आ चुका है, मिल्क हम यहाँ पर रख सकते क्या, मुझे पता था हमारे साथ यहाँ पर स्कैम हो चुका है, मिल्क रखेंगे सिर्फ फ्रिज में रख सकते है तो हमें इसको वापस यहाँ पर ही रखना पड़ेगा, मुझे फ्रिज भी चाहिए होगा। और फ्रिज है $150 का, बहुत ही ज्यादा महंगा है तो मैं उसको अभी तो नहीं मंगवा सकता, अभी थोड़ा और सामान मंगवा लेते। $24 मेरे पास यहाँ पर हो चुके, बियर भी फिर मैं अज्यूम करता हूँ कि उसमें जाएगी फ्रिज के अंदर तो मुझे मंगवानी नहीं चाहिए, केक भी फ्रिज के अंदर ही जाएगा तो मुझे बाकी की चीजें यहाँ पर मंगवा लेनी चाहिए, जैसे कि एप्पल एंड सिनेमन कर देते हैं ऑर्डर, और क्या कर सकते हैं, वॉशिंग पाउडर में और कर सकता हूँ, पर क्या मुझे वॉशिंग पाउडर चाहिए, ठीक है मंगवा लेते हैं। एक फटाफट ऑर्डर कर दिया, यहाँ पर अपनी डिलीवरी आ चुकी है बासमती राइस की, इसको लेकर चलते सारा का सारा यहाँ पर रख देंगे और इसको फेंक देते हैं। और यहाँ पर और भी कस्टमर आ चुके, एक चिप्स के लिए यहाँ पर खड़े थे अंकल, शर्म नहीं आती आपको, एक वाह वाह भाई वाह, सबके सब एक ही चिप्स खरीद रहे आज तो। और ये आंटी आई ना बढ़िया एकदम से, बहुत सारा चीजें खरीदने जा रही है, 1 2 3 4 थैंक यू। अब शेल्फ धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, आ गया क्या हमारा ऑर्डर अभी तक नहीं आया है, इनको फटाफट से देते हैं $8, थैंक यू। और हमारी डिलीवरी यहाँ पर आ चुकी है, मतलब कितनी जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, जैसे स्टॉक बढ़ता हूँ स्टॉक खाली हो जाता है, जैसे स्टॉक बढ़ता हूँ स्टॉक खाली हो जाता है, ऐसे ही चल रहा है अभी फिलहाल तो। और अभी हमने यहाँ पर ये राइस भी रख दी है, मेरे पास $50 यहाँ पर हो चुके हैं तो हम और भी चीजें मंगवा सकते हैं, पर क्या मंगवाऊं, मैं सोच रहा हूँ फ्रिज के लिए थोड़ा पैसा वैसा जमा कर लेते हैं ताकि हम और भी चीजें बेच पाए, तो फ्रिज के लिए पैसा जमा करूंगा अभी फिलहाल तो, मैं कुछ खरीदने नहीं वाला, $3 थैंक यू। अभी मैंने 2-3 ऑर्डर दे रखे हैं, वो थोड़ी थोड़ी देर में आते जाएंगे तो हम फिर इनको करते जाएंगे, कार्ड लेते हैं इनका, 24.50 डन, $78 मेरे पास हो चुके हैं, ये अंकल भी खाली हाथ चले गए, अबे क्या दिक्कत है इनको। यहाँ पर हमारे वॉशिंग पाउडर भी आ चुके हैं, और भी पहले से मेरे पास पड़े थे पर और भी आ चुके हैं यहाँ पर, इनको फटाफट से हमने यहाँ पर सजा दिया, डब्बे को फेंकेंगे यहाँ पर, $78। अभी मुझे और भी चाहिए, मेरे ख्याल से मुझे और ऑर्डर तो करना ही पड़ेगा, यहाँ पर बहुत कम चीजें बची है, मुझे सारी की सारी चीजें ऑर्डर यहाँ पर करनी पड़ेगी, फ्रिज का भी बाद में सोच लेंगे, अभी यहाँ तक सारी चीजें ऑर्डर करेंगे। $54 की मैंने चीज ऑर्डर कर दी है, अभी फटाफट से अपने काउंटर पर वेट करते हैं उस डिलीवरी आने का ताकि हम जल्दी जल्दी और भी सामान बेच पाए। $26, बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि गाइस जितना ज्यादा हमारे पास सामान होगा उतना ज्यादा हम पैसा कमा पाएंगे और उतनी जल्दी जल्दी अपने स्टोर को और भी तो अपग्रेड करना है हमें। 1 2 3 50 थैंक यू, डिलीवरी हमारी यहाँ पर आ चुकी है, भर भर के सामान मंगवा लिया हमने। बासमती राइस मेरे पास यहाँ पर पड़ी है 2-3, इनको इनमें सजा देंगे, इसको फेंक देते हैं यहाँ पर। और यहाँ से हम लेंगे आटा हमारे पास आ चुका है, यहाँ पर हमारे पास आटा पूरा खत्म ही हो चुका था, ये भी हमने सही टाइम पर मंगवा दिया है। $66 मेरे पास हो चुके हैं, बीन सूप तो हमारे खत्म ही नहीं हो रहे, पता नहीं कोई खरीदना ही नहीं चाहता इनको क्यों। अभी फटाफट से कस्टमर को उनका देंगे सामान और इनको चेंज भी दे देंगे, इनको भी इनका कार्ड लेंगे, 3.50 थैंक यू, यहाँ पर इनका कार्ड लेंगे $6। और बाकी का सारा सामान भी फटाफट से उठा के अपने स्टोर में लगा देता हूँ। यहाँ पर चिप्स भी हमारे पास खत्म हो चुकी थी, चिप्स मेरी सबसे ज्यादा बिक्री है और ये खत्म होना मतलब बहुत ही मुश्किल की बात है। यहाँ पर अभी इसको कर देते फटाफट से, यहाँ पर सिनेमन ओल्ट मील भी आ चुका है, यहाँ पर रख देंगे। और यहाँ पर और भी वॉशिंग पाउडर आ चुका है, फटाफट से इसको यहाँ पर रख देते हैं। $102 मेरे पास हो चुके हैं, मैं सिर्फ $150 का वेट कर रहा हूँ, फिर आज के दिन हम क्लोज करेंगे अपने स्टोर को। $150 होते ही मैं यहाँ पर फ्रिज खरीदूंगा और अपने स्टोर को बंद कर दूंगा। अंकल आ जाओ जल्दी जल्दी कुछ खरीद लो, $50 का कुछ खरीदो ताकि मैं अपने स्टोर को क्लोज कर सकूं। और गाइस अभी मेरे पास यहाँ पर $160 हो चुके हैं, 1 2 3 4 5 6 7 9 मैं इनको फटाफट से इनका चेंज देता हूँ, ये आखिरी कस्टमर्स होने वाले हैं आज के, इनको फटाफट से सारा सामान देके स्टोर को मैं अपने क्लोज करने वाला हूँ। 2450 इनको ये चाहिए, $7 का थैंक यू, फटाफट से अपने
अपने स्टोर को कर दिया जाए क्लोज और अभी जाकर मैं अपने लिए फ्रिज ऑर्डर करने वाला हूँ। फ्रिज आने तक वैसे मुझे वेट करना चाहिए था, पर कोई बात नहीं, फ्रिज यहाँ पर स्मॉल हम मंगवा सकते हैं, लार्ज है $200 का, पर उसके लिए अपने लेवल चाहिए हमें 4, तो वो मेरे पास अभी है नहीं, तो अभी मैंने फ्रिज ऑर्डर कर दिया। मतलब अब मैं ये बियर्स भी ऑर्डर कर सकता हूँ, अलग अलग फ्लेवर, अलग अलग कलर्स की। 73 तो मेरे पास है ही नहीं, $58 की मैंने यहाँ पर बियर भी ऑर्डर कर दिए। जब तक मैं अपने स्टोर को ओपन रखता हूँ ताकि थोड़े पैसे भी आते जाए और अपनी फ्रिज भी बस थोड़ी देर में आती होगी, उसके बाद आज के डे को ओपन कर देंगे क्लोज। ये डिलीवरी हमारी आ चुकी है, इतनी फास्ट डिलीवरी मैंने आज तक नहीं देखी। फ्रिज हमारा आ चुका है, फ्रिज अपन लगाएंगे, कहाँ लगाए यहाँ पर लगाते हैं। फ्रिज का सारा सामान इधर ही रखने वाले हैं। अभी सबसे पहले हम जाएंगे मिल्क यहाँ पर रखने वाले हैं, फटाफट से सारा का सारा मिल्क यहाँ पर रख देते हैं एक। अभी तो यहाँ पर इतना सारा बच गया, अभी तो मैंने इतनी सारी चीजें मंगवाई वो का रखूंगा। अभी हम जाएंगे यहाँ पर मिल्क का प्राइस यहाँ पर सेट कर दिया जाए। मिल्क का प्राइस हम रखेंगे $3.50 सही रहेगा। चेंज प्राइस यहाँ पर हमने कर दिया है और यहाँ पर कस्टमर्स फिर से आने लग गए, कैश इनको देते 1, 2, 3। और हमारी फाइनल डिलीवरी भी आ चुकी है आज की, जो कि होने वाली है बहुत सारी बियर। इसका नाम है बियर शिलीफ्रीन, पता नहीं कुछ तो नाम है। फटाफट से सारी की सारी बियर यहाँ पर रख देंगे और ये पूरी की पूरी आ जाएगी क्या? नहीं, ये भी पूरी नहीं आई। अब इसको यहाँ पर रख देंगे और अब जाएंगे बियर शंडर में, शंडीर नाम है इसका, पता नहीं कैसा नाम है। फटाफट से इसको भी यहाँ पर सारा का सारा सजा देंगे और ये भी हो गया। अभी यहाँ पे जो कस्टमर से इनको इनका सामान यहाँ पर दे दिया जाए $29। तो गाइस सर अभी फटाफट से हम लेके जाने वाले आखिरी बियर। एक सेकंड, ये फ्रिज में तो 3 ही शेल्फ है, अबे इसको भी नहीं रख सकते, इसको फटाफट से स्टोरेज में मुझे रखना पड़ेगा, मेरे पास इतनी जगह ही नहीं है, मुझे और भी फ्रिजेस चाहिए होगी। तो गाइस सर अभी आप देख सकते हो फ्रिज हमारी यहाँ पर पूरी फुल हो चुकी है और ये आखिरी कस्टमर आ चुका है। पहले मैं स्टोर को क्लोज कर देता हूँ, स्टोर हो चुका है यहाँ पर क्लोज, फटाफट से इनको इनका सामान दे देते हैं। ये आखिरी कस्टमर यहाँ पर होने वाले 49, थैंक यू। इनको दो बियर चाहिए। एक सेकंड, मैंने बियर की तो प्राइस भी सेट नहीं करी, ये सस्ते में लेके जा रहे हैं। रुक जाओ, पहले बियर की प्राइस सेट करना जरूरी है। यहाँ पर जाएंगे बियर की हम प्राइस रखने वाले $3, यहाँ पर भी रख देंगे $3 और ये डन। तो गाइस सर आप देख सकते हो हमारा स्टोर कितना ज्यादा बढ़िया यहाँ पर चलने लग चुका है। जब हम आए थे तो हमारा स्टोर कितना सा था, यहाँ पर कुछ काम भी नहीं हो रहा था, पर अब हमारी वरुण की दुकान बहुत ही ज्यादा बढ़िया चल रही है। तो गाइस सर फटाफट से कमेंट करके बताना कैसा लगा आपको ये खतरनाक सा गेम। अगला गेम हम कौन सा खेलें वो भी कमेंट करके बता देना। तो गाइस सर आज की वीडियो सिर्फ इतना ही, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा आपसे डे 19 यानी कल, तब तक के लिए बाय बाय।